हेलो एवरीवन, दिस इज भारजन। आप सभी का स्वागत है यार स्टडी मोड उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो यार, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में एक बिग अनाउंसमेंट की थी कि हम जितने भी सुपर 100 बुनियाद स्कीम से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों को यार उनका सिलेबस हम कवर करवाएंगे। तो मैं आपको मैथ करवाने जा रहा हूँ। तो मैथ का आपका सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रीमियर संख्या, जो क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इवन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ही आपके साथ रहने वाला है। तो हम आज करेंगे क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 1, प्रीमियर संख्या। तो यार, इस चैप्टर में जो जो चीजें हैं वो मैं सारी आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। पहली बात तो ये, हम संख्या के बारे में जानेंगे। दूसरी चीज, हम परिमेय संख्या इसके बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या होता क्या है, यहां से लेकर परिमेय संख्या का यूज कहां तक होता है और कैसे होता है, यूज हम इसका कैसे और कहां पे करते हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर के हम दो वीडियो लेक्चर डिलीवर करेंगे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 का जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा, और लेक्चर 2 आगे फर्दर अपडेट्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तो लेक्चर 2 भी पेंडिंग रहेगा। लेक्चर 1 आज, ये लेक्चर 1 है आपका जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो ये था आज हम क्या करने वाले, यानी कि आप कह सकते हैं वीडियो का एक इंट्रो। अब हम बात करेंगे चैप्टर जो आपका फर्स्ट है, प्रीमेय संख्या, उसके बारे में। तो यार, प्रीमेय संख्या, पहली बात ये बता देता हूं, मेरे पास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की दोनों ऑडियंस है, तो मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को बिल्कुल पैरेलल लेके चलूंगा। यार प्रीमेय संख्या होती है यार रैशनल नंबर। ओके, अब प्रीमेय का मतलब और रैशनल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी संख्या जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, अर्थात जो भी फ्रैक्शनल वाली टर्म होती है, भिन्न होता है, उसे हम जनरली प्रीमेय संख्या बोलते हैं। अब यार, प्रीमेय संख्या से पहले, इस पर आने से पहले हम बात करेंगे, इससे पहले कुछ और संख्या आपने क्लास 6-7 में पढ़ी होगी, जिसमें सबसे पहले आपने पढ़ी होगी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, इसका ये कहां से कहां तक होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यार, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर 1, 2, 3 इवन इन्फिनिटी तक, अनंत तक, जितनी भी संख्या है वो सारी क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या, ये मैं कह रहा हूं कि ये पूर्ण संख्या है, अब इसमें आपने दूसरा पढ़ा होगा पूर्णांक, अब यार पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या वो होती है जिसमें माइनस और प्लस वाले सारी संख्या इन्वॉल्व हो, जिसमें जितनी माइनस की है जितनी प्लस की है सारी, जो जिसे हम नंबर लाइन में जितनी है, जिसमें हम कहते हैं संख्या रेखा, 0 से इधर पॉजिटिव जैसे 1, 2 और इधर -1, -2, -3 3, इधर ऐसे इन्फिनिटी तक और इधर -इन्फिनिटी तक, ये है आपका पूर्णांक, जो इस टेबल पे जिस इस संख्या पे हम जिसको दर्शा सके, दीज आर कॉल्ड एज पूर्णांक, उसे हम कहते हैं पूर्णांक। तो यार, पूर्णांक 0 से शुरू होता है, माइनस में भी जाता है, प्लस में भी जाता है, वो होते हैं पूर्णांक। पूर्ण संख्या, पूर्णांक के बारे में आपने सीख लिया। अब आपके यहां पे आगे दे रखा है इसमें प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, दीज आर कॉल्ड एज रैशनल और प्रीमेय संख्या। अब मैं इसमें थोड़ी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा, पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकें, बट उसमें क्यू है जो नीचे वाला हर है, वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश, नीचे वाली संख्या को हम कहते हैं हर। अंश और हर के बारे में डिटेल आपको मैं आगे दूंगा, जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको बता दूंगा।
इसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ओके। अंश और हर, जो आपका हर है आपका डिनोमिनेटर है, दैट शुड बी नेवर इक्वल्स टू जीरो फॉर एन रैशनल नंबर और प्रीमेय संख्या। एक प्रीमेय संख्या के लिए जो आपका हर है, जो आपका क्यू है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये था आपका पॉइंट नंबर वन, प्रीमेय संख्या क्या होती है। अगर आपका प्रीमेय संख्या का अगर ये टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो क्लियर हो गया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। अब प्रीमेय संख्या में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये जो प्रीमेय संख्या है क्या ये पूर्णांक होती है? ये एक क्वेश्चन है आपसे, क्या प्रीमेय संख्या पूर्णांक होती है? तो इसका जवाब है जी हां। जितनी भी हमारे पास p बाय q की फॉर्म में संख्या होती है, दैट आर ऑल आर इक्वल्स टू पूर्णांक। वो माइनस में हो प्लस में हो डजंट मैटर, बट है तो पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? वो संख्या जिसमें माइनस प्लस इंक्लूड हो। इसमें माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, इवन जीरो भी आ सकता है। तो यार ये पूर्णांक तो होगी, ऑब्वियसली सी बात है। तो ये था आपका प्रीमेय संख्या का एक इंट्रोडक्शन। अब प्रीमेय संख्या अगर आपको समझ में आ गई है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले यार सब्सक्राइब कर लो। हाँ जी, आगे आपका दे रखा है ओके डोंट वरी। पूर्ण संख्या हमने डिस्कस कर ली, पूर्णांक हमने डिस्कस कर लिए, योग व्यकलन ये सभी आपको मैं सिखाऊंगा। अभी अभी इसी पे आते हैं। अब यार जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है दो प्रीमेय संख्या का योग गुणा घटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं योग, प्रीमेय संख्याओं का योग। मान लेते हैं हमारे पास दो संख्या, एक तो एक बटा दो और एक माइनस एक बटा दो। दो संख्या है और हमें इनका योग ज्ञात करना है। मान लीजिए तीन है, ये एक बटा दो है, तीसरी लेते हैं तीन बटा दो ओके। इनका योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करने के लिए यहां पे ले लेते हैं हम अलग संख्या ले लेते हैं कोई चार। एक बटा दो जमा में माइनस एक बटा दो प्लस तीन बटा चार। योग में तो प्लस का निशान आता है भाई। अभी ये माइनस है, प्लस माइनस आपने सीखा हुआ, प्लस और माइनस की गुणा क्या होती है? माइनस ही होती है। तो ये माइनस आ जाएगा यहां पे। ये अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे आगे आप सीख जाओगे धीरे धीरे। तो जोड़ करने के लिए क्या करना होता है? पहले आप एलसीएम लीजिए, सारों का एलसीएम आ गया चार। दो के टेबल में भी चार आता है, इसके टेबल में चार, इसके टेबल में चार। टू टू या फोर, टू टू या फोर, फोर वन या फोर। दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे दो, फिर दो को माइनस एक से माइनस दो, फिर एक को तीन से। दो में से दोगे ये तो जीरो हो गया, और प्लस तीन तीन, तो आंसर आ गया आपका तीन बटा चार। योग का ये प्रोसेस है सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर मैं इसे कह दूं कि आपको इन्हीं संख्याओं का, ये तो था योग, अब मैं आपको कह दूं कि इन्हीं संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है? घटा। अब आपको इनका घटा करना है, घटाओ। घटाओ करने के लिए साइन हम माइनस का करेंगे, यहां पे भी माइनस का ही करेंगे। ठीक है ओके। तो अब देखिएगा, एक माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है, ये प्लस होगा। एक बटा दो जमा एक बटा दो माइनस तीन बटा चार होल ओवर का एलसीएम क्या आ गया? चार। इसी मेथड से हमने चार एलसीएम ले लिया, दो प्लस दो माइनस तीन, चार माइनस एक बटा चार, ये आपका इसका जवाब आ गया। तो इसी तरह से घटाव हो गया। अब बात करते हैं इन्हीं संख्याओं की, अगर हमें गुणा करनी हो तो गुणा, गुणा करनी हो तो क्या करेंगे? एक बटा दो गुणा में माइनस एक बटा दो गुणा में तीन बटा चार। गुणा में क्या होता है? अंश, अंश दो आपके अंश होते हैं उनकी अंश के साथ मल्टीप्लाई, और हर होते हैं उनकी हर के साथ मल्टीप्लाई। एक गुणा एक एक, एक गुणा तीन तीन, माइनस का निशान बाहर, माइनस तीन। दो दूनी चार, चार चौके
16, क्या आ गया 3/16, आपका मल्टीप्लाई में आंसर आ गया -3/16 गुणा में। अगर बात करें हम इसे विभाजन की या भाग की, तो भाग के लिए आपको कुछ संख्या अलग दी जाएगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि हम धीरे धीरे एडवांस में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आगे अब आपका जो टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया, गुणा कैसी होती है प्रिमेय संख्याओं की, टॉपिक हमने कर लिए गुणा घटाव प्रिमेय संख्याओं का, और नंबर 3 हमने डिस्कस किया था जोड़ इनका या योग बोलते हैं। ये 3 डिस्कस कर ली, विभाजन या भाग है वो मैं आपको आगे जैसे ही कुछ क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, ये हमने नहीं किया। ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी पेंडिंग है। 3 टॉपिक कर लिए, चौथा टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। तो अब आपके जो आपका क्वेश्चन है हम एक्सरसाइज में बढ़ जाते हैं, एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। हाँ जी, तो अब देखते हैं हम एक्सरसाइज आपकी है 1.1। देखिएगा मैं आपको केवल इसका आपको बता सकता हूं भी ये चैप्टर ऐसा होगा, करना आपको खुद को पड़ेगा भाई। प्रतिलोम भी आपका योज्य प्रतिलोम भी है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा यार। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 -1/6 गुणा में 3/2 जमा में 1/14 गुणा में 2/5। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको करने के लिए यार मैं आपको बताता हूं किस तरह से आपको करना है, और इसका आंसर भी बता देते हैं आपको, इतना आएगा -11/28 आंसर आ रहा है इसका। तो इसको सोल्व कैसे करना है वो देखते हैं। पहले देखिएगा आपको एक रूल होता है बोर्ड मास का, ध्यान से समझिए, खासकर बुनियाद वाले बच्चे इस रूल को ध्यान से समझिएगा। बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट, चाहे वो ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, ये होती है ब्रैकेट्स। ऑफ का मतलब होता है जिसमें लिखा हो का या ओ, डी का मतलब डिवाइड जिसमें ये निशान हो भाग का, एम का मतलब मल्टीप्लाई जिसमें गुणा हो, ए का मतलब एडिशन जिसमें जोड़ हो, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन जिसमें माइनस हो। ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ घटा, ब्रैकेट का, अगर आपको ये रूल नहीं याद रहता तो ऐसे याद रखिएगा, ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ घटा, ब्रैकेट का जोड़ भाग गुणा जोड़ घटा, ये आपका रूल है, या ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये आपका बोर्ड मास रूल है। अब इस बोर्ड मास को मैं इस साइड लिख देता हूं क्योंकि ये हमारी हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो BODMAS इस रूल को नहीं भूलना यार, बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड मास बिल्कुल। तो देखिएगा पहले इसमें देखिए ब्रैकेट है, पहला चॉइस अपनी है ब्रैकेट चॉइस करने की, ब्रैकेट है भाई इसमें, पहले अपने को ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। दूसरा ऑफ कहीं पे नहीं है, ये नहीं है, ये है अपने पास। फिर देखिएगा डिवाइड, डिवाइड कहीं पे निशान दिखाई दे रहा है, ये नहीं। मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो पहले देखते हैं आप इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट अपना ऑलरेडी सोल्व है, ये -3/7 है, -3/7 है, ब्रैकेट अपना सोल्व है ऑलरेडी, ये अपना हो गया। उसके बाद में आप देखते हैं डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कहां कहां पे, एक जगह, फिर ये दो जगह, फिर ये तीन जगह, तीन जगह आपको मल्टीप्लाई मिलेगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की आपको बताया था, अंश की अंश के साथ मल्टीप्लाई होती है और हर की हर के साथ, तो 3/3 और 2 6 होते हैं मल्टीप्लाई, 7/5 35 माइनस का, यहां पे माइनस, ये आप देखिएगा 1 की 3 से मल्टीप्लाई की 3 6 2 12 एम आई करेक्ट, ओके। प्लस 2 × 1 2 15 14 के आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए 70, ओके, ये आ गया आपका। अब इसको आप काट नहीं सकते, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 2 × 2 = 35 × 70 होता है और 3 × 4 = 12 होता है, कट गई आपके, तो ये आ गया आपका 6 - 35 - 1/4 +
1/35, ये भी आपका माइनस का, ये माइनस यहां पे लिख लेते हैं। ओके, ये अब आपका यहां पे आ गया है। अब क्या करना होता है, अब देखिएगा आपको कहीं पे एडिशन दिखाई दे रहा है, एडिशन ये रख, एक जगह अपना एडिशन है, पहले ये सॉल्व करेंगे फिर आएंगे सब्ट्रैक्शन पे, इसको सॉल्व करेंगे यहां पे अलग कर लेते हैं। 35 और 4 का एलसीएम आएगा, 35 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पांच 20 की 0 चला गई 2, या अपने पास कैरी आ गई 2, 4 की 12 और 2 14, 140 इसका एलसीएम है 140। ये होता है एलसीएम निकालने का मेथड, बहुत सिंपल है। फिर देखिए ये 35 यहां पे आएगा, ये 4 इधर आएगा, -35 + 4 कितना आ गया, -31/140, -31/140 6/35 माइनस, इसको हमने सोल्व कर लिया, ये आ गया -31/140। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करते हैं आप यहां पे अलग, 35 और 140 का एलसीएम होगा 140, 35 चौकी 6 चौकी 24, -24 -31 कितना हो गया, ये 55, -55/140। अब 55 को इससे काटेंगे तो ये जाएगा 5 पे, 11 5 55, और ये 5 से काटे आपका जाएगा 5 9 10 और 5 8 40, -11/28। यही हमें उत्तर निकालना था और यही उत्तर हमने निकाला, आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहां पे लिख देता हूं इसके बराबर में, इसके बराबर में लिख देते हैं -11/28। तो ये उत्तर निकालना था, ये अपना यही उत्तर आया भाई, -11/28। तो ये था आपका बोडमास रूल का सिद्धांत। बोडमास रूल आपको क्या बताता है और इसका हम किस तरह यूज करेंगे वो मैंने आपको बताया। तो आपका पहला यहां पे जो चैप्टर का पहला फंक्शन होता है क्या, कि आपको ऐसी कोई संख्या दी जाएगी जो प्रिमेय में होगी, प्रिमेय संख्या p/q की फॉर्म में, उनको आपको सोल्व करना है किसकी हेल्प से, बोडमास रूल की तरफ से, या ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ घटा, इस सिद्धांत से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। बुनियाद के पेपर में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और एनटीएससी में भी मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, अगर आपको समझ में आ गया तो लाइव चैट सेक्शन में भी लिख दीजिए। हाँ जी, ये अगर आपको आ गया समझ में, तो अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा। दूसरा प्रश्न है आपका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना। योज्य प्रतिलोम होता क्या है इनके बारे में बताऊंगा पहले आपको, फिर योज्य प्रतिलोम हम निकालते कैसे हैं वो देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब क्या होता है, जोड़ या योग, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, यानी कि जोड़ में उल्टा, ये इसका मतलब है। अब जोड़ में उल्टा का मतलब, अब मैं आपको बता रहा हूं, एक आपके पास फिक्स संख्या मान लीजिएगा 1/2 ही है, ये आपके पास फिक्स संख्या गिवन है, आपको कह दी इस संख्या का आप हमें योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम कैसे निकालते वो बताता हूं आपको। योज्य प्रतिलोम होता है उस संख्या को आप किसी एक्स संख्या से जोड़ दीजिए, बराबर में 0 रख दीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए -1/2, तो ये क्या है इसका योज्य प्रतिलोम, यानी कि एक ऐसी संख्या, ये संख्या है अपने पास गिवन, ये अपने पास दी हुई है, एक ऐसी संख्या जिसे हम अपनी दी हुई संख्या में जोड़े तो उसका जो जवाब है वो आना चाहिए 0, क्या समझे, एक ऐसी संख्या जिसे हम उसमें जोड़े तो उसकी जो ओरिजिनल संख्या वो 0 बन जाए, या आप दूसरे शब्द, ये था मैथमेटिकल जो आपकी बात है वो। अब मैं आपको एक बिल्कुल ट्रिक बताता हूं कि आपको कैसे याद रखना है योज्य प्रतिलोम। आपके पास 1/2 दिया हुआ है, बिना देखे आंख बंद करके ये लो, आंख बंद की और -1/2, यहां पे प्लस है तो माइनस, अगर -1/2 को पूछे तो 1/2 माइनस का प्लस,
सिंपल, जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके इससे सोल्व हो जाएंगे, या आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी सोल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। कितना इजी है यार। अभी आपको साथ और डिस्कस करते क्वेश्चन इसके। यस, आपके पास एक क्वेश्चन है 2/-9, क्या होगा यार इसका प्रतिलोम? सिंपल सी बात है, 2/9, क्या दिक्कत है? माइनस किसके प्लस से लगाना है अपने को। दूसरा और ले लेते हैं कोई, आपके पास एक है आपके पास -6 -5, माइनस से माइनस तो कट गया यार, तो आपके पास संख्या क्या है? 6/5, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -6/5। इतना सिंपल, बहुत सिंपल है यार। तो यानी कि जोड़ में जो उल्टा हो, अगर आपके पास प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस से माइनस, अगर माइनस है तो माइनस से प्लस, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप से अगर आप चलोगे तो योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हो, गारंटेड। ओके, अब आपका दो टाइप क्वेश्चन हो गए, कौन कौन से? एक तो प्रीवियस संख्या का योग कैसे निकालते हैं, योग गुना भाग जोड़ जो भी होता है सारा हमने डिस्कस कर दिया। दूसरा योज्य प्रतिलोम। तीसरा अब आपके पास आ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे यार, पक्का मिलेंगे। इवन आपको अगर आपको आगे कोई कंपिटेटिव एग्जाम देंगे तो उसमें भी काम आएंगे आपको। तो गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, उसे कैसे निकालते हैं, सारे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो यार आपके पास एक संख्या दी हुई है जिसमें आपके पास एक 13, ओके, हाँ जी, बहुत सही, बहुत सही है यार, बिल्कुल 1/5 आप संख्या लेके चलेंगे आप, ठीक है भाई। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक मतलब गुणा में उल्टा, अभी तो बताया था यार प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, गुणा में उल्टा या गुणात्मक प्रतिलोम। अब मान लीजिएगा आपके पास की संख्या है 1/5, ओके, उस संख्या को अगर हम किसी से गुणा करें, गुणा करें मान लीजिए कोई भी संख्या ए है, तो वो हमें क्या देना चाहिए? 1। ये तो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक ऐसी संख्या अगर 1/5 है तो इसका हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक आ जाए, इसका देखिएगा ए के इधर गुणा में भाग में इधर आके गुणा में, तो 1 × 5 1 × 5 5, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 5। और यहां पे रख के देख लेते 1/5 गुणा में 5 बराबर 1 है या नहीं, 5 से 5 कट गया, 1 × 1, तो आपका जवाब क्या है? 1। इसका मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 5। ये था। अब इसमें ही हम और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे -13/19। अब इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ट्रिक वाले बच्चे जो ट्रिक के बेसिस पे चलने वाले उनको देखिएगा, सीधा रट्टी रिटाई बात नहीं, सीधा अगर आप इसको करोगे वहां से बिना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के तो भी आपका सही जवाब आएगा, दैट्स माई गारंटी। ओके, आपको करना क्या होता है इसका, अगर आपको पूछा जाए गुणात्मक प्रतिलोम -13/19 का क्या होगा, जो आपका अंश है और जो आपका हर है, हर को आप लिख दीजिए, जो आपका अंश है उसको आप हर में लिखेंगे और हर है उसको आप लिखोगे अंश में। अब ये मैंने कहा था 19 को आपको अंश में लेके आना, 19 और 13 निशान वैसे ही रह सकते, इसको इसके साथ गुणा करके देख लो उत्तर 1 आएगा, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? -19/13। 13/19 माइनस गुणा भी कर लेते हैं, -19/13, 13 से 13 कट गया, 19 से 19 कट गया, -, -, +, उत्तर आ गया ये। अंश को हर में, हर को अंश में, साइन वो का वो रख दीजिए, वो क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम। समझ में आ रहे बच्चों? ओके, गुणात्मक प्रतिलोम आपका हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे आपका आगे जो भी जिस टाइप का क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, तो देखते आगे क्या है। आगे आपको आपके दिया हुआ है प्रत्येक गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। ओके, ये तो आपको मैंने बता दिया। व्युत्क्रम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। व्युत्क्रम
आपके पास कोई संख्या दी हो, व्युत्क्रम निकालना है आपके पास, तो व्युत्क्रम अपन ज्ञात करेंगे। एक तो आपके पास 6/13 वह आपके पास -7/16, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब व्युत्क्रम का मतलब, अच्छा ठीक है माफ कीजिएगा, ऐसे दिया है क्वेश्चन, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर क्या वैल्यू है, यानी कि 6/13 को -7/16 का हमें गुणक्रम व्युत्क्रम लिखना है, तो इसका व्युत्क्रम होगा क्या पहले वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, वो देख के फिर आपको लिखना है उसका उसके साथ गुणा करनी है। ओके हाँ जी, बहुत सिंपल व्युत्क्रम क्या होता है, देखिएगा आपके पास -7/16 है, इसका पहले अपने को व्युत्क्रम आपको निकालना है। व्युत्क्रम -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा पहले आपको वो पता होना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि आपको इसके साथ गुणा करने पे क्या आएगा। व्युत्क्रम का मतलब वही होता है जो हमने पीछे सीखा था, क्या कि जो आपके पास 16 है उसका उल्टा गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम को ही हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम। गुणात्मक प्रतिलोम को हम कहते हैं व्युत्क्रम। ओके, तो इसका आपको पूछे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होते, तो आप तो ऐसे कहोगे भाई भैया हमारा तो ये आएगा, तो यही तो व्युत्क्रम है इसका, जो आपने गुणात्मक प्रतिलोम लिखा है वही क्या होगा इसका व्युत्क्रम। तो इसकी गुणा किसके साथ करनी है, -6/16/7 के साथ, 16 6 96 होते हैं और 13 7 91 होते हैं, तो आपका इसका क्या उत्तर आ गया, -96/91, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। लेक्चर 1 चल रहा है आपका, लेक्चर 1 में हमने कई टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जिसमें अब आपका यहाँ पे हम कई चीजें हमने डिस्कस की है, अब हम देखते हैं क्या। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास अगर कोई इस प्रकार की भिन्न आ जाए, एक लिया गई एक आ गई 3 सही 1/3, अब आप कहोगे भैया इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आप देखिएगा 8 की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर जो आपके पास संख्या आएगी उसका इसके साथ एडिशन, 8 × 1 = 8, 8 और 1 = 9, 9/8 -9/8। सिमिलरली यहां पे 3 × 9 = 1 = 10, यहां पे होती है गुणा, यहां पे होता है जोड़, 3 × 9 = 1 = 10, 10/3। आपको पेपर में ऐसे पूछा जाएगा इसका, इस संख्या का आपको याद क्वेश्चन भी दिया है, इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो आप तो ऐसे लिख देंगे आप -8/1, ये गलत हो जाएगा भाई, कैसे निकालोगे वो बताता हूं आपको। आपको निकालने का तरीका ये, पहले आप इस भिन्न को हल कीजिए, इस फॉर्म में लाइए, फिर आप इसका उल्टा कर दीजिए, ये इसका सही जवाब होगा। ओके, तो ये होगा, इसका पूछा जाए तो 3/10, एम आई राइट। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 1.1, जिसमें हमने प्रीमेय संख्याओं के साथ अच्छी तरह हमने प्रीमेय संख्याओं के बारे में सीख लिया। नेक्स्ट जो लेक्चर 2 आएगा उसमें हम प्रीमेय संख्या की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.1 आपका प्रीमेय संख्या बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर आपका कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है तो आप यार बेझिझक कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर रिप्लाई किसी कारण नहीं दे पाऊं तो कोई बात नहीं, हेजिटेशन होने की मत कीजिए, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा बुनियाद के मालों के लिए, वो ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप उसमें अपने डाउट कभी भी पूछ सकते हैं।
तो दैट्स ऑल गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। देखिएगा आपको एक बेल नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब लिख के, उसको दबा लीजिएगा और ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी जो भी नई वीडियो डालू उसकी सबसे पहले अपडेट आपको ही मिले और किसी को नहीं। तैयार दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं ऐसे और अमेजिंग वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस।